दुनिया में लोग टेक्नोलॉजी और सफलता की जहां नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, वहीं समय के साथ साथ अपराधियों ने भी अपराध की दुनिया को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल अरेस्ट तक पहुंचा दिया है। इन दिनों ऑनलाइन धोखाधड़ी के बीच नया स्कैम डिजिटल अरेस्ट लोगों के साथ हो रहा है। अब क्या है डिजिटल अरेस्ट, कैसे लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा भयानक अपराध है जिसमें अपराधी वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए अनजान पीड़ितों से पैसे ऐंठने के लिए आधिकारिक रूप धारण करके कॉल करते हैं। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा अरेस्ट है जिसमें अपराधी मासूमों को सरकारी एजेंसी द्वारा डर बनाकर पेनाल्टी के रूप में पैसे ठगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और साइबर अपराधों के जानकार विराग गुप्ता ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया कि पिछले 3 महीनों में 400 करोड़ रुपयों से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी चीज है जहां पर ठग लोग किसी को ऑनलाइन तरीके से डरा करके उसे कहते हैं कि तुम सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अरेस्ट हो गए हो और सरकार को इतनी पेनाल्टी या इतना जुर्माना दो, उसके बाद ही तुमको छोड़ा जाएगा। तो डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है, लेकिन अपराधियों के अपराध की वजह से इसका उद्भव हुआ है। और डिजिटल अरेस्ट के मामले पिछले 3 महीने में दिल्ली NCR में लगभग 600 मामले आ चुके हैं जिनमें 400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। डिजिटल अरेस्ट के 4-5 तरीके हैं, जैसे बैंक ट्रांजैक्शन, फोन पर वीडियो या ऑडियो कॉल, या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड का नंबर मिल जाने पर। इन्हीं तरीकों से लोगों को शिकार बनाया जाता है। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट के ट्रैप में मासूम लोगों को कैसे फंसाया जा रहा है। इसमें 4-5 तरीके हैं, मॉडस ऑपरेंडी है। उसमें सबसे बड़ी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि किसी कुरियर का नाम लेकर के कि इस कुरियर में गलत सामान आया है, इसमें ड्रग्स है और इस ड्रग्स की वजह से आपका इस तरह से आप फंस जाएंगे, या कई बार कि आपके बैंक खाते से इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड आस्पेक्ट्स हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो या NDPS के हों, उनका एक भय दिखा करके, और अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, कानून के जानकार होते हैं, और उनको डरा करके कि उनके बैंक खाते के माध्यम से या उनके आधार नंबर के माध्यम से कोई कानून का बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है, और उस डर का फायदा उठा करके फिर उनसे डिजिटल फिरौती ली जाती है। कई बार लोगों के बैंक खाते में पैसे नहीं होते हैं तो उनको लोन दिलवा करके, कई बार उनके पास वो ऐप्स नहीं होते हैं, वो ऐप्स को भी डाउनलोड करवाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत कोई काम ख़त्म हो गया, कई बार 2-2, 3-3 दिन तक लोगों को डिजिटली अरेस्ट रखा गया है। डिजिटल अरेस्ट के ट्रैप में अपराधियों ने मासूमों को 2-3 दिनों तक डिजिटली अरेस्ट भी रखा है। लोगों में सरकारी एजेंसी का डर बनाने से अपराधी इस स्कैम में सफल हो जा रहे हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है। लोगों को तो यही है कि कभी भी कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है, सिर्फ फिजिकल तरीके से पूछताछ करती है। तो कभी भी ऐसी बात आए तो 2 तरीके से लोग उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। पहला, साइबर फ्रॉड के बारे में जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, या जो साइबर फ्रॉड का जो ईमेल है उसमें जा करके, या फिर स्थानीय पुलिस के माध्यम से लोग सूचित करें, और अगर फंस गए हों तो अगर तुरंत सूचित कर देंगे 1 घंटे के भीतर, तो हो सकता है कि पैसे का जो ट्रांसफ़र है वो रुक जाए। डिजिटल अरेस्ट को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि डिजिटली अरेस्ट जैसे गंभीर अपराध पर सरकार ने क्या कदम उठाए और डिजिटल अरेस्ट पर क्या कानूनी कार्यवाही होती है। बहुत तरीके की हो सकती हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाने की सजा, लोगों को ठगी करने की सजा, सरकारी एजेंसीज को इम्पर्सोनेट करने की सजा, और जो पैसे की जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसकी सजा, और IT Act के तहत इसमें सजा का प्रावधान है, जो नए DNS है उसके तहत सजा का प्रावधान है, ट्राई के कानून के तहत गलत सिम कार्ड लेने के लिए सजा का प्रावधान है। आए दिन डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों के चलते सरकार तरह तरह से लोगों को अलर्ट करने की कोशिश कर रही है। पुलिस प्रशासन और सरकारी एजेंसियां इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। आप भी डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए सावधान रहें, सचेत रहें। VK News, राष्ट्र के नाम।